एक्चुअली वेरी मल्टीपर्पज कितनी बार बोलूंगी मैं. लेट्स स्टार्ट. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज सोनिया चौहान एंड या दिस इज अ हॉल वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो दिस गोना बी अ ट्राई ऑन हॉल. सो मेरे चैनल पे ट्राई ऑन हॉल अभी तक नहीं किया मैंने. सो टुडे आई थॉट कि चलो अब शुरुआत कर ही लेते हैं. एंड दिस वीडियो आई वॉज वेटिंग सिंस अ लॉन्ग, मतलब बहुत 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 टाइम पहले से मैं सोच रही हूँ और मतलब रह ही जाती थी. और इस चक्कर में मैंने ये कुछ तो पहन भी लिए कपड़े. H&M एंड Forever 21 से मैंने काफ़ी शॉपिंग करी बाद में भी. सो आई थॉट कि सब मिला के ही मैं एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि अलग अलग हॉल बनाने का अब कोई तुक नहीं बनता क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है. सो फाइनली आई एम हेयर विद द ट्राई ऑन हॉल. और हाँ, एक्चुअली ये आउटफिट के साथ मैंने ज्वेलरी भी ली थी. तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ ना कि पहले ये ट्राई ऑन हॉल क्लोथ्स का कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो आई विल शूट विद द ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग फ्रॉम बोथ, फ्रॉम H&M एंड Forever 21. सो या सो स्टे ट्यून टू माई चैनल. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट. और इसमें से आपको कुछ भी ऐसे समझ में आता है कि आपको लगता है कि हाँ इट्स गुड, यू कैन गो एंड बाय इट. तो इफ आई फाइंड लिंक, ऑनलाइन लिंक फॉर देम, आई विल डेफिनेटली मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या डू चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. विदाउट डिलेइंग जस्ट जम्प इन टू द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. So I'm starting with the first piece and which is very very nice and very multi-purpose, you can say, this kind of black crop top. Yeah, video में भी आप देख लेना साइड में कैसी लग रही है. If you see यहाँ पे आगे ऐसे थोड़ा सा फिटिंग जैसा दे रखा है. This is from H&M और ये मैंने small में लिया. मेरा actually H&M में small size है, वैसे मैं medium ही लेती हूँ हर जगह से. तो मैंने स्पेशली स्मॉल लिया. ये मैंने स्टोर से ही लिया था, वहाँ मैंने अच्छे से ट्राई करके देखा. मीडियम मुझे थोड़ा सा लूज आ जाता है. थोड़ा सा ही इसका आगे पीछे से नेक डीप है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर नॉर्मल जो ब्रा होती है स्ट्रैप वाली वो ना ही पहनो, क्योंकि ये बार बार थोड़ा सा लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रा. सो आई थिंक इसमें स्टिक ऑन वाली ब्रा पहनो तो बेस्ट रहेगा, या फिर इनविजिबल वाले, इनविजिबल तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप जो होते हैं वो वाला ब्रा पहन सकते हो. तो इट एक्चुअली वेरी मल्टीपर्पज कितनी बार बोलूँगी मैं. एज अ टॉप भी आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ साड़ी के ऊपर ऐसे ब्लाउज भी इसको आप यूज कर सकते हो, और मतलब इसके ऊपर भी आप जैसे शर्ट पहन लो. काफ़ी टाइम से लेनी थी तो व्हेन आई सॉ एट द स्टोर सो मैंने कहा कि इसको ले ही लेते क्योंकि पता नहीं दोबारा कभी स्टॉक में आए ना आए. सो या दिस इज द फर्स्ट वन. एंड इसका जो कपड़ा है वो निटेड कह सकते हो आप, रिप्ड वाला जो होता है विच इज़ वेरी स्ट्रेचेबल. सो दैट इज द प्लस पॉइंट. सो या नेक्स्ट वन इज इन द सेम कैटेगरी एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम H&M. और H&M में मुझे ऐसे वाले जो रिप्ड वाले जो टॉप होते हैं ना, क्रॉप वाले, मुझे बहुत पसंद है. ये बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो. और ये भी सेम मटीरियल है बट इट्स इन अ बेज कलर, और ये बेज कलर मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है. और यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा. अरे हाँ, मैंने बताना भूल गई, ये मैंने अपने शिमला और बशोबरा वाला जो मेरा ब्लॉग था मैं उसमें ये मैंने पहना था. दोनों ही मैंने टॉप पहने हुए हैं. सो इफ़ यू हैवंट सीन दैट ब्लॉग यू कैन सी दैट. आई विल मेंशन समवेयर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक. सो आप देख सकते हैं कैसे फिटिंग आई. और वाकई में इसको ब्लैक के साथ पेयर करो, वाइट के साथ पेयर करो, दोनों के साथ ये टॉप बहुत अच्छा लगता है. और सबसे अच्छी बात ही स्ट्रेचेबल है. सो अगर आप एक साइज छोटा भी ले लोगे तब भी ये चल जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी कि फिटिंग कैसी आएगी कैसे नहीं, ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है. और आई सीरियसली आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ टॉप. और इसका जो नेक यू कट है और बहुत ही बेसिक है येट क्लासी.
सो दिस इज द बेस्ट पार्ट इन H&M कि आप बेसिक स्टफ आप H&M से ले सकते हो, ठीक है, मतलब अच्छे रेट पे भी मिल जाते हैं और यू विल हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ टॉप्स. सो या दैट्स इट. और इसके लिंक वगैरह में, ये तो मैंने शायद मिंत्रा से लिया था, तो इसके तो डेफिनेटली आपको लिंक मिल ही जाएगा. अब प्राइजेस वगैरह भी उसी लिंक में आप चेकआउट कर लेना. आई डोंट रिमेम्बर, अभी बहुत टाइम हो गया है तो मुझे याद भी नहीं है क्या. ओके या टॉप, ये टॉप मैं ढूंढ रही थी. दिस इज अ ट्यूब टॉप. इफ यू सी मटीरियल इज द सेम, निटेड एंड रिप्ड. सो एंड द कलर इज डैम गुड. दिस कलर इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडी. दिस इज अ रस्ट कलर एंड रस्की कलर है. अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टोन है तो आपका मतलब कलर ऐसा एकदम ऐसा खुल के आता है. और ट्यूब टॉप एक्चुअली मेरे पास नहीं है तो मैंने वैसे ही ले ली कि चलो कलर मुझे पसंद आया तो गॉट दिस ट्यूब टॉप. एंड दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 21, नॉट फ्रॉम H&M. इसका जो मटीरियल था वो सेम ही था. ये रिब्ड वाले टॉप मुझे एकदम से क्लिक कर जाते हैं कि ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मुझे पता है इसकी फिटिंग मुझे आई जाएगी. ये आई थिंक मीडियम में है और थोड़ा पार्टी वियर भी हो जाता है और मतलब आप कैजुअल वियर भी कर सकते हो, मतलब ऑफिस वियर भी कह सकते हो आप. इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा यू नो फॉर्मल कोट वगैरह कर लोगे, डाल लोगे ब्लैक वाइट, तो भी ये बहुत परफेक्ट लगने वाला है. तो तीनों एक्चुअली एक ही कैटेगरी के, तो मैं इनका साथ में निपटा दूँ. फॉरएवर 21 की बात चल रही है तो मैं फॉरएवर 21 के ही क्लोथ दिखा देती हूँ. सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बेसिक टॉप, वेरी वेरी बेसिक, एंड दिस इज अ न्यूड कलर. एक्चुअली मैंने दो ले लिए. जब मुझे पसंद आता है ना, मेरे को क्या होता है, एक के बदले में दो ले लेती हूँ. मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जब तक एक ठीक लग रहा है दूसरा भी ले लो. तो हालांकि इट वॉज नॉट अ बैड डील और ऐसे मैंने दो लिए, एक पिंक में लिया है और एक टैन कलर ही बोलते हैं उसको, हाँ टैन न्यूड कलर, वट एवर यू से. सो द मटीरियल इज नॉट अ कॉटन प्रॉपर, बट ये 60-40 का कुछ रेशो है, तो मतलब ठीक है, इट्स नॉट बैड. थोड़ा सा सी थ्रू आप बोल सकते हो, बट इट्स गुड. मतलब समर्स में ना ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं कि जो थोड़े से हल्के फुल्के से हो, जो थोड़े ऐसे ना लगे कि क्या पहन लिया भारी सा. तो मुझे समर्स के लिए परफेक्ट लगते हैं. एंड दिस इज पीच कलर इज वेरी नाइस, इज वेरी सिंपल एंड आई लव. मतलब मुझे पिंक पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने एक के बदले दो लिया. और भी एक्चुअली मेरे कलर पे भी सूट कर रहा था, तो आप इसको घर पे ही पहनना हो घर पे पहन सकते हो, बाहर जाना हो बाहर पहन सकते हो. सो बेसिक टॉप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही रहता है कि आप कहीं पे भी पहन लो यार, बाहर पहन लो घर पे पहन लो, बहुत अच्छा लगता है. एक बेसिक टॉप की बात आई है तो मैं H&M से भी आपको दिखा देती हूँ. मुझे और बेसिक और क्लासी टॉप पहनने का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, कभी भी आप पहन सकते हो, किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, ड्रेस अप कर सकते हो, ड्रेस डाउन कर सकते हो. सो दे आर इजी टू यूज. कम्स द अनदर बेसिक कैटेगरी, आयरन नहीं कर रखे तो जैसा लग रहा है वैसा आप देख लो. वाइट तो मतलब दिखेगा भी नहीं, तो दिख ही जाएगा, मैं वीडियो में तो दिखाई देती हूँ. इसमें दिस इज अ वी नेक एंड दिस इज प्रॉपर कॉटन, बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप, हल्के फुल्के से और सॉफ्ट मटेरियल है. सो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया है. और यू नो ब्लैक एंड वाइट इज द कलर जो मतलब कोई बंदा ना नहीं कर सकता. ऑल्दो ब्लैक इज नॉट माई कलर, मतलब इट्स नॉट माई फेवरेट एंड वाइट इज ऑल्सो नॉट माई फेवरेट, बट वेन एवर आई वियर ब्लैक एंड वाइट I always look good. मतलब मैं कभी बुरी नहीं लिखती. तो you know you never go wrong with black and white. तो अगर तुम किसी से मतलब 80-90% से पूछोगे तो black और white उनके favorite color होते हैं. I think pair में ही थे, ये भी मैंने Myntra से लिए थे तो, और बहुत ही सस्ते थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, 799 या 699 ऐसा कुछ डील था. डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, डोंट वरी.
तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट डील, मतलब इससे अच्छी डील और कुछ नहीं हो सकती कि आपको H&M की दो टॉप और वो भी अच्छी वाली टॉप है, डीप नेक नहीं पहनते हैं उनको थोड़ा थोड़ा लगेगा, अंदर आप स्पैगेटी वगैरह पहन सकते हो उसका भी सॉल्यूशन है, बट इतना डीप भी नहीं है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, बट हाँ जो नहीं पहनते हैं लाइक मुझको भी शुरू में लगा था, बट देन आई वॉज यूज टू इट कि ठीक है यार चलता है इतना तो. I love both of them and they are so soft and classy, multi-use. आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, जीन, डेनिम, डांगरी, एवरीथिंग, आई मीन वर्थ योर पेनी. ये ब्लैक वाली उसमें आप इतना स्लिम लगते हो ना, और मतलब दिस इज अ स्मॉल एडवाइस अगर आपका थोड़ा सा टमी है, अगर आप ब्लैक पहनते हो तो वो कम विजिबल होता है, यू विल लुक स्लिमर देन वाइट में दिखता है, लाइट कपड़ों में दिखता है, ब्लैक में नहीं दिखता. सो या दिस इज अ टिप फॉर द डे. नाउ H&M ऑलमोस्ट कंप्लीट, नाउ दिस इज फॉर एवर 21. आजकल मुझे शर्ट पहनने का बहुत ज़्यादा ऐसा क्रेज हो गया है, जो चेक वाली शर्ट आजकल मतलब यू नो वेरी इन ट्रेंड. लव दिस कलर, आई नो मतलब ब्राउन बेज कलर मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. दिस इज फ्रॉम द मेन सेक्शन, और मुझे पता भी नहीं था, बट पता भी होता तभी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा था कि मुझे लेना है ऐसा. बट हाँ एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा थिक मटेरियल है, कॉटन ही है, बट गर्मी में भी चल सकता है, क्योंकि आप इसको ऑब्वियसली बंद मत करो, अगर आप इसको ऐसे ओपन ही छोड़ देते हो तो भी चल जाएगा. सो या यू कैन वेयर इट इन समर ऑल्सो, बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग, आप वीडियो में भी देख सकते हो, अच्छी खासी लॉन्ग है, और मुझे बहुत पसंद आई थी, और मुझे एक्चुअली देखते ही पसंद आ गई थी ये. आप डेनिम के ऊपर, क्योंकि इसमें ब्लू भी है देख सकते हो, तो ये ब्लू के साथ भी मैच कर जाएगी, और ब्लैक के साथ तो करेगी, ब्लैक के साथ तो सब चल जाता है. सो या दिस इज ऑल्सो अ गुड पीस इफ यू वॉन्ट टू बाय, आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हाँ ये मैंने स्टोर से लिया था, सो इफ आई फाइंड अ लिंक आई विल मेंशन, if not then I can't do anything. So. And the last one, so this is the denim jacket. Actually मैं इतने अच्छे से दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो आप ऐसा अंदाजा लगा पाओगे कि कैसे दिख रहा होगा. So this is the denim short jacket. सच बताऊँ एक denim jacket सबके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं थी. और पता है बहुत ऐसा मौके आते हैं जब आपको लगता है एक जैकेट होनी चाहिए, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ यू नो ट्यूब टॉप और थोड़ा रिवीलिंग सा टॉप होता है, या फिर वन पीस ऐसा होता है कि आपको लगता है कि घर से आप पहन के चले जाओ आसपास, तो आपको लगता है कि मेट्रो वेट्रो में थोड़ा यू नो यू डोंट फील कम्फर्टेबल, और वहाँ जाके आप उतार दो डिस्क वगैरह में, पब वगैरह में. तो उस पर्पज़ के लिए मुझे लगता है एक तो डेनिम जैकेट बनती है. एंड और ऐसा नहीं है कि आप इसको सर्दियों में पहनोगे, इसको गर्मियों में भी पहन सकते हो, मतलब इतना कोई गर्म नहीं होती है. शॉर्ट में इसलिए भी ली क्योंकि मेरा पर्पज़ था ही वन पीस वगैरह में पहनने का, तो ये काफ़ी शॉर्ट है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा इलास्टिक की डिटेलिंग है, सो दिस इज नाइस and I love this. So yeah, I think that's it. I really enjoyed showing you guys my all the clothes. Do mention which clothes and which outfit is your favorite. मेरे तो सारे ही हैं, मतलब almost सारे ही हैं, but अगर बात करो तो एक denim jacket और ये shirt मेरी favorite है, तो आप अपना बताना आपको कौन सी अच्छी लगी, और कोई आपके पास मे बी आपने ऑलरेडी बाय कर रखी हो, सो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई विल मेंशन हेयर और हेयर समवेयर, सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट. आई मेक अ लॉट ऑफ रील्स, वेरी एंटरटेनिंग रील्स, डांस रील्स, एवरीथिंग. सो या दैट्स इट फॉर द डे, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और या आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय.